हेलो गाइस, जैसा कि देख सकते हैं आप, एक ये जो मेरा ओल्ड वाला मडगार्ड था फ्रंट का, तो इसमें क्या है, आगे देखिए ये इसका फ्रंट पैनल है, ये पीछे का पैनल। तो इसमें जो पीछे का जो बैक जो ये एक एक्स्ट्रा एक्सटेंशन लगा रहता है मडगार्ड की तरफ से, तो वो एक्सटेंशन मैंने निकाल दिया है, ये निकाल दिया। और उसमें एक जैम हो गया, वो ख़राब हो गया एक्चुअली, इसका जो इसका नट बोल्ट था वो ख़राब हो गया, तो उसको मैंने निकाल दिया। तो इसको कट करना पड़ा हल्का सा कि इसको यूज़ में देखेंगे तो आ जाएगा, और इसको भी हल्का सा कट करना पड़ा। इन फ्यूचर अगर यूज़ करना रहेगा तो इसमें वाशर लगा के एज अ एक आता है जो कॉइन की तरह रहता है, उसको यूज़ करके इसको कर सकते हैं। और उसके बाद ये देख सकते हैं, ये न्यू वाला जो कि मैं सेकेंड हैंड से लिया था। सेकेंड हैंड लेने के बाद फिर भी ये न्यू जैसा ही है, कोई इशू नहीं है कि नहीं ये ख़राब है, ये बाकी का सब ओके है। इसमें देखिए, यहाँ से आप इसको टाइट करके लूज कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं यहाँ से, या इसको फिट कर सकते हैं। इसको जो ये फ्रंट वाला है इसमें भी आप कट करके फिट कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है इसको फिट करने की, लेकिन ये अगर देखा है तो अच्छा है। और मैंने एक और इसमें जुगाड़ किया है, और मैं सोचा कि जब इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ तो इसमें मैंने गैस को ऑन करके और विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रू ड्राइवर इसको गर्म कर करके यहाँ पे मैंने होल किए, देख सकते हैं आप, एक सेकेंड रुकिए, ये देख सकते हैं आप, इसको होल किए दोनों साइड। और बीच में मैंने नहीं किया इसलिए क्योंकि ये एकदम सीधा था, ऐसा स्ट्रेट में था, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ भी इसको वो नहीं किया। तो अभी ये हो चुका है, मतलब रेडी हो चुका है, अब इसको टाइट करना है। तो जैसा कि गाइस देख सकते हैं, ये ऐसे जाके यहाँ पे फिट करूँगा मैं, और ये नट बोल्ट की हेल्प से, जो नट बोल्ट है उसके हेल्प से विथ स्क्रू ड्राइवर एंड ये पाना है, ये कुछ 5888 नंबर का है, उसके जरिए इसको यहाँ पे मैंने फिट कर दूंगा, तो फिट करके दिखाता हूँ। सो गाइस देख सकते हैं, इसको मैंने टाइट कर दिया है, ये थोड़ा ज़्यादा टाइट हुआ है और ये थोड़ा सा कम टाइट हुआ, क्योंकि ये थोड़ा हल्का सा बेंड हो गया, हल्का सा, बहुत ज़रा सा टेढ़ा है। जैसे अंदर से आप देखेंगे तो अभी देखिए ये सीधा दिख रहा है, ये ऐसे देखेंगे तो सीधा दिख रहा है अभी, तो अभी जो हिसाब से ये सीधा दिख रहा है। इसके बाद इसको इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको इसका रिव्यू दे दूंगा कि इसमें मड ज़्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ये शॉर्ट है, तो इसकी वजह से जो रेडिएटर फैन होता है, रेडिएटर फैन में पूरा जो व्हील से कचरा जा रहा है, जो भी मड जा रहा है, कीचड़ जा रहा है, पूरा वो फैन रेडिएटर फैन में जा रहा है। इसके लिए मैं इसको एक्सटेंड किया उसमें से निकल के, अभी इसमें से निकल के इसमें एक्सटेंड कर दिया, तो अभी ये परफेक्ट दिख रहा है। अभी इसको इंस्टॉल करके देखते हैं कैसा इसका आ रहा है, व्यू कैसा आ रहा है या कैसा लुक आ रहा है, वो देखेंगे, उसके बाद मैं आपको डिटेल बताता हूँ। तो ऐसे ऐसे इसको टाइट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद इसका लुक दिखाता हूँ आपको। तो अभी लगने के बाद ऐसा दिख रहा है अभी, तो अभी इसको फिट कर दिया तीनों बोल्ट, वहाँ पे देखिए हल्का सा इसका ये जो टेल है वो उठा है हल्का सा, जैसे देख सकते हैं आप उठा है। अभी इसके बाद ये साइड में भी सेम वैसे ही है, यहाँ पे भी उठा है, तो मुझे डाउट ऐसा लगा था कि ये इससे चिपकेगा तो आवाज़ करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी सब कुछ फाइनल है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी ये कुछ रेडी हो चुका है,